दोस्तों सांप से क्यों डर लगता है? जाहिर है उसके जहर से, लेकिन इस धरती पर कुछ ऐसे सांप भी हैं जिसे देखकर ये हवा टाइट हो जाती है और अगर वो सामने आ गया तो जान ही निकल जाए। इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं दुनिया के कुछ बड़े सांप जिसे देखकर आपकी भी हवा टाइट हो जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ब्राजील में पाए जाने वाले एनाकोंडा वजन के हिसाब से दुनिया के सबसे भारी और बड़े सांप हैं। इन सांपों के किस्से तो कई किताबों में और मूवीज में भी मिल जाएंगे, पर 2016 में एक ऐसी ही घटना हुई जब ब्राजील की एक कंस्ट्रक्शन साइट पर एक बहुत बड़ा एनाकोंडा देखा गया। दरअसल ब्राजील के पैरा में एक कंस्ट्रक्शन के दौरान वर्कर्स ने कुछ धमाके किए थे जहां से ये सांप निकला। पूरे 33 फीट लंबा ये सांप किसी राक्षस से कम नहीं लगता और इसका वजन 880 पाउंड से भी ज्यादा था। लेकिन कुछ आइडियाज लगाकर इन वर्कर्स ने इस सांप को मार दिया। ये सांप इतना बड़ा था कि किसी इंसान को भी आराम से खा ले। हालांकि ये सांप जहरीले नहीं होते, लेकिन ये अपने शिकार को मारने के लिए उसे जकड़कर उसे मार देते हैं और एक बार कोई इसके चंगुल में फंस गया तो समझो उसका खेल खत्म है। अफ्रीकन रॉक पाइथन। अफ्रीका में पाए जाने वाले इन बड़े सांपों की खुराक काफी ज्यादा बड़ी होती है। इन अजगरों की लंबाई 23 फीट तक हो सकती है। इन्हें दुनिया के सबसे ज्यादा शातिर सांपों में से भी एक माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि ये सांप अंडे से निकलते वक्त ही काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और उसी वक्त से आवाज निकालने लगते हैं। ये सांप अपने जबड़ों को चौड़ा करके कितने भी बड़े शिकार को आराम से निगल लेते हैं और ये सांप इंसानों को भी मौत के घाट उतार सकते हैं। एक बार तो एक अजगर के अंदर एक 5 फीट लंबा मगरमच्छ मिला था। अगर ये उतने खतरनाक जानवर को इतने आसानी से खा सकता है तो बाकी जानवरों को इसके सामने क्या मजा। येलो एनाकोंडा इन अफ्रीका। कुछ दोस्त ब्राजील के सेंटा मारिया रिवर में मछली पकड़ने के लिए गए थे। वहां पर इन लोगों ने एक विशाल काय एनाकोंडा को देखा जिसकी लंबाई लगभग 17 फीट थी। उसे देखने के बाद वो वहां से भागने के बजाय उसके करीब जा रहे थे ताकि उसे कैमरे में कैद कर सके। एक लकड़ी के टुकड़े से पहले उन्होंने उस पर वार किया जिसके बाद वो उस सांप के पूंछ को पकड़कर वीडियो बना रहे थे, लेकिन इनका ये मजाक इन्हीं पर भारी पड़ा। ये वीडियो वायरल होने के बाद इन तीनों व्यक्तियों पर एनिमल्स को छेड़ने की वजह से $600 का फाइन लगाया गया। इसके साथ ही इन लोगों को 1.5 साल की सजा भी दी गई क्योंकि इन लोगों ने एक एनवायरमेंटल कानून तोड़ा था जिसके हिसाब से आप बिना किसी लाइसेंस के ना तो किसी जानवर का शिकार कर सकते हैं और ना ही उसे परेशान कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। इंडियन पाइथन। दोस्तों कभी कभार सांप कुछ ज्यादा ही बड़े जीव को निगल लेते हैं जिसे पचाने में उनकी हालत भी खराब हो जाती है। ऐसी एक घटना उत्तर प्रदेश के एक इलाके में देखने को मिली। दरअसल इस सांप ने एक बकरी को निगल लिया था जिसके बाद ये हिल ही नहीं पा रहा था। गांव वालों ने फॉरेस्ट ऑफिसर्स को बुलाया जिसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने इस सांप को लकड़ी और रस्सी की मदद से एक पिकअप ट्रक में लोड कर लिया। इतने विशाल का सांप को देखकर वहां के लोकल्स काफी ज्यादा घबरा गए थे। वहां के घबराए हुए लोगों को देखकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने कहा, इस सांप से कोई खतरा नहीं है क्योंकि ये सांप बिल्कुल भी जहरीला नहीं है। ये सांप हिल नहीं पा रहा था इसीलिए ऐसा कहना बिल्कुल सही था, लेकिन अगर ये अटका ना पड़ा होता तो लोगों की सांसें जरूर अटक जाती। क्या आपको पता है पाइथन से जंगल के राजा शेर भी डरते हैं? दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक बाघ जब इसका भी सामना किसी अजगर से होता है तो ये भी अपना रास्ता बदल लेता है। अब इस इंडियन टाइगर को देखिए, इसके रास्ते में एक अजगर आ गया है। इस बाघ को अच्छे से पता है कि अगर इसने इस सांप का रास्ता काटा तो ये इसके लिए मुसीबत बन सकता है। ये बड़ा सा अजगर इस बाघ के रास्ते में बैठा हुआ था और ये अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिल रहा था। और अब आप इस शेर को देखिए जो सोच रहा है अब करे तो करे क्या। और ये सांप इस बाघ को डराने के लिए हिसिंग साउंड भी निकाल रहा था। इस वीडियो को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस द्वारा शेयर किया गया था और इस वीडियो को अब तक लाखों लोगों ने देख लिया है। इसे देखने के बाद कई लोग कह रहे हैं कि अगर मुकाबला अजगर और बाघ के बीच हो तो बेशक अजगर ही जीतेगा, और इस बाघ ने भी वैसा ही किया। ये इस सांप से लड़ने के बजाय पतली गली से निकल लिया। इस वीडियो में देखिए, ये बच्चा इस सांप के साथ आराम से खेल रहा है। इस बच्चे का नाम सैम बैथ है। ये तस्वीरें कंबोडिया के सेटबो गांव की है। सैम बैथ के परिवार को एक दिन एक छोटा सा अजगर का बच्चा मिला। कह सकते हैं सैम बैथ का एक छोटा सा साथी। इस परिवार ने इस सांप का नाम कैमरॉन रखा था जिसका मतलब किस्मत वाला होता है। ये सांप बचपन से ही सैम बैथ के साथ रहता था। दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे और ये साथ सोया भी करते थे। हालांकि अजगर बहुत जल्दी ही बड़े हो जाते हैं तो
इसके साथ भी वही हुआ। ये सांप 16 फीट लंबा हो गया और इसका वजन लगभग 230 पाउंड के करीब हो गया था। फिर तो इस बच्चे और सांप की वीडियो पूरी दुनिया में वायरल होने लगे। यहाँ तक कि इन दोनों को देखने के लिए लोग कंबोडिया के इस छोटे से गांव में भी पहुंचने लगे थे। लेकिन शॉकिंग बात तो ये है कि एक दिन इस सांप ने इस बच्चे को ही काट लिया, जिसके बाद इसके परिवार वालों ने इस सांप को चिड़ियाघर को सौंप दिया। किंग कोबरा। किंग कोबरा का नाम ऐसे ही किंग नहीं रखा गया है, ये सचमुच में राजा ही है। किंग कोबरा दुनिया के सबसे ज्यादा लंबे और जहरीले सांप है। किंग कोबरा पूरे एशिया में पाए जाते हैं और तो और ये सांप 10 से 13 फीट तक लंबे हो सकते हैं। इसके जहर से बचने के लिए इससे दूर रहने में ही भलाई है। ये सांप एक बार में 7 मिलीग्राम तक का जहर इस्तेमाल कर सकता है। इसके जहर से इंसान के शरीर में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और थोड़ी ही देर में इंसान को लकवा मार जाता है। दुनिया का सबसे लंबा किंग कोबरा 18 फीट और 9 इंच लंबा था। ये सांप मलेशिया के जंगलों में पाया जाता था। द ऑस्ट्रेलियन पाइथन। ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले रॉबी ने जब अपने गैराज में एक सांप को देखा तब वो उसे देखकर जरा सा भी नहीं घबराए। उन्होंने उस सांप को लेकर झाड़ियों में फेंक दिया, लेकिन ये सांप कहां मानने वाला था। 6 महीनों बाद फिर ये रॉबी के घर आ गया, लेकिन ये इस बार पहले से 3 फीट ज्यादा लंबा हो चुका था। और आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये सांप इस घर में आता जाता रहता है। रॉबी के मुताबिक उन्हें उस सांप से कोई दिक्कत नहीं है। ये सांप घर की छत पर चढ़कर धूप ताप लेता है। ये कारपेट पाइथन अपने शरीर पर बने खास पैटर्न के लिए बहुत मशहूर है। इन सांपों की पीठ पर पर्शिया में पाए जाने वाले कारपेट्स के जैसे कई तरीके के अच्छे पैटर्न्स बने होते हैं। ये सांप लगभग 12 फीट लंबे हो सकते हैं। उम्मीद है आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। क्या आपने कभी सांप देखा है? अगर देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था कमेंट में जरूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।